नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ गिरजेश व्यास। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। चिंतामण रेलवे स्टेशन अपने नए स्वरूप में आया और उज्जैन फतेहाबाद ट्रैक शुरू होने के पहले सीआरएस दल ने किया निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि पर अपने पितृपुरुष को समर्पित किए श्रद्धा सुमन और मीडिया को कराया बजट की खूबियों से अवगत। मासूम के अपहरण और हत्या के आरोप में 2.5 साल जेल में बंद रहा बेकसूर, अदालत ने किया बरी। साइबर ठगी का आरोपी धराया पश्चिम बंगाल से, उज्जैन पुलिस को मिली उल्लेखनीय सफलता। और मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिप्रा में स्नान कर अर्जित किया पुण्य लाभ। और अब समाचार विस्तार से। सिंहस्थ 2028 महापर्व की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे प्रशासन चिंतामण गणेश रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप देने में जुटा हुआ है। उज्जैन फतेहाबाद के मध्य 22 किलोमीटर रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन के साथ उज्जैन से फतेहाबाद मार्ग के पहले स्टेशन चिंतामण गणेश को ए क्लास स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। 14 दिसंबर 2018 को तत्कालीन सांसद द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। चिंतामण रेलवे स्टेशन पर 600 मीटर से अधिक लंबा प्लेटफार्म, जिस पर 24 कोच की रेल एवं मालगाड़ी आसानी से खड़ी हो सकेगी। यह इस ट्रैक का पहला 3 मंजिला भवन होगा। स्टेशन की दीवारों पर पूर्वोत्तर के कलाकारों द्वारा रंग बिरंगे चित्र बनाए गए हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर सीआरएस टीम द्वारा रेलवे ट्रैक का भी निरीक्षण यातायात शुरू करने के पूर्व किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इस दल द्वारा चिंतामण रेलवे स्टेशन ट्रैक का निरीक्षण भी किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को पूरे देश में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया और कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। नानाखेड़ा स्थित पंडित उपाध्याय की प्रतिमा पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, पूर्व महापौर मीना जूनवाल, शहर अध्यक्ष विवेक जोशी की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें वक्ताओं ने पंडित उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। दीनदयाल उपाध्याय का निर्वाण दिवस है। आज के दिन 11 फरवरी 1968 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। एक ऐसा महापुरुष जिसने जीवन में बचपन से कष्ट ही कष्ट देखे, लेकिन पूरे देश की स्वतंत्रता के बाद हर घर में उजाला हो, हर आदमी के कष्ट मिटे, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी अपने जीवन के सारे कष्ट से मिटने के रास्ते निकले। इसी कारण से उन्हें भारतीय दृष्टि से जो एकात्म दर्शन दिया है, मूल रूप से ये सनातन संस्कृति का दर्शन था और हम सब उम्मीद करते हैं कि उस दर्शन पे चल करके भारत की जो अच्छाई है वो स्थापित होगी। एक ऐसे महापुरुष को नमन। भाजपा नेताओं ने बजट की उपलब्धियों को गिनाने हेतु संभाला मोर्चा। भाजपा पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को अवगत करा रहे हैं बजट की खूबियों से। देश की सरकारों के अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा संसद में पेश किए बजट से आमजन को अवगत कराने के लिए प्रेस को अलग से साधना पड़ रहा है। इसी कवायद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सभी शहरों में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए हालिया बजट के विषय में मीडिया को बता रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता की कमान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश मंत्री हरिशंकर सिंह खटीक ने संभाल ली। प्रदेश मंत्री ने बजट के विषय में बताते हुए कहा, हमारे देश का सबसे पहले बजट तो यह है कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल पर देख सकता है। 90 पेज का जो बजट है वो अपना मोबाइल खोल के वित्त विभाग की वो वेबसाइट खोल करके देख सकते हैं। तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। दूसरा, हमारे देश का जो बजट है इसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत की झलक है कि हमें किस प्रकार से अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमारे देश में जब देश का दुनिया से संपर्क टूट गया, एक घर से दूसरे घर का संपर्क टूट गया, एक गांव से दूसरे घर का संपर्क टूट गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने साहस के आधार पर हम सब लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक साहस दिया और जो मास्क सैनिटाइज वगैरह बनाए गए हमारे देश को मिला है। दूसरा, हमारे देश के लोगों ने उत्पादन भी किया, उसी उत्पादन के आधार पर हम सब लोगों ने काम किया। दूसरा, हमारे एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता दें कि टैक्स स्लैब इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया।
जो 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी को हुए हैं उसमें 75 वर्ष के वृद्ध लोगों को जो पेंशन पाते हैं उनको पेंशन उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पेंशन लोगों को 75 वर्ष से अधिक उम्र के वालों को दिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा, देखिए माननीय हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट दिया उज्जैन के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। अब ये उज्जैन इंदौर दोनों को जोड़ के ही देखना पड़ेगा, जिस प्रकार से एजुकेशन पे, रेलवे पे, इंडस्ट्री पे, टूरिज्म पे, रिलीजियस टूरिज्म पे, सब क्षेत्रों में जो ध्यान दिया है वो काबिले तारीफ है। अकेले महाकाल मंदिर विकास के लिए 75 करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई है यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी तो हमारा सीएस 2028 में लाने वाला है और पहले बजट में 75 करोड़ दिया, इसका मतलब 6 साल अभी है। तो अगर हर बजट में हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बाबा महाकाल बनारस के काशी विश्वनाथ की जैसा भविष्य स्तर में इसमें जाने वाला है। इसी प्रकार से रेलवे ट्रैक जो 3 नए खुलने वाले, तीनों को मंजूरी दी गई है। इंदौर से दो रेलवे की परियोजना जारी है, जो देवास उज्जैन डबल ट्रैक ब्रॉडगेज के माध्यम से, इसी प्रकार से ब्रॉडगेज फतेहाबाद उज्जैन के बीच में ये हमारा एक सर्किल ट्रेन की तरफ हम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा रोजगार की दृष्टि से भी, कि जो पीथमपुर भी जुड़ेगा, देवास भी जुड़ेगा और नए बनने वाले कॉरिडोर वो भी इसमें आ जाएंगे। डीएनए मैच नहीं होने पर बच्ची की हत्या का आरोपी साबित हुआ बेकसूर, लेकिन इसके पूर्व उसने गुजारे 2.5 साल जेल में। 16 जून 2018 को उमेश निवासी ट्रेजर बाजार के पास ने नानाखेड़ा थाने में अपनी 11 माह की बेटी शिवानी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पत्नी के पास से रात 2 बजे बच्ची लापता हो गई थी। 2 घंटे की तलाश के बाद भी बच्ची नहीं मिली। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। 2 घंटे बाद शांति पैलेस बाईपास के पास एक बच्ची की लाश मिली, जिसे उमेश और उसके परिवार ने शिवानी के रूप में पहचाना। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की धारा और बढ़ा दी। 3-4 दिन बाद उमेश ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सब्जी मंडी में मजदूरी करने वाले आनंदी लाल का उसकी पत्नी जमुनाबाई से विवाद हुआ था, उसके बाद से आनंदी दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ने आनंदीलाल को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। बचाव पक्ष के वकील परिहार की अपील पर कोर्ट ने शव की हड्डी और उमेश व जमुनाबाई के खून के नमूने सागर लैब भेजे। लैब से आई रिपोर्ट के मुताबिक हड्डी और माता पिता के डीएनए मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब उमेश और जमुनाबाई उस बच्ची के जैविक माता पिता नहीं हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने आनंदीलाल को बरी कर दिया। सारे प्रकरण की जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के वकील ने बताया, ये जून 2018 की घटना है। बच्ची 11 माह की थी, जो अपने माता पिता के साथ सोई हुई थी, जिसको माँ ने 2 बजे लगभग दूध पिलाया और सुबह जब 4 बजे नींद खुली तो बच्ची वहाँ से गायब थी। उसने जाके पास में रहने वाले अपने माँ बाप से बताया कि बच्ची गायब है, जिसकी रिपोर्ट नानाखेड़ा थाने में की गई। इसके 2-3 घंटे बाद लगभग 8 बजे शांति पैलेस होटल के पीछे छिपरा में एक बच्ची की लाश मिली, जिसको ले जाके माता पिता ने देखा और उसको बताया कि मेरी बेटी की लाश है। वहाँ से पुलिस ने एक चूड़ा और बीड़ी जब्त की थी, बीड़ी का टुकड़ा जब्त किया था। इसके बाद शक के आधार पर कि आरोपी के पत्नी से मृतका के पिता उमेश से अवैध संबंध है, इसलिए उसने चेतावनी दी थी और आनंदीलाल ने घटना कारित की है, इस आधार पर उसको अरेस्ट किया गया था। चालान पेश किया गया एविडेंस चली, जिसमें डीएनए रिपोर्ट जो आई, डीएनए रिपोर्ट में आया कि जो बच्ची की लाश की हड्डी डीएनए मिलान के लिए भेजी गई थी वो उमेश के डीएनए से नहीं मिलान खाई, जिससे उमेश और उमेश उसकी पत्नी के डीएनए से मिलान नहीं खाएगी। इस पर कोर्ट ने माना है कि वो जैविक माता पिता नहीं थे, इसलिए लाश उस बच्ची की नहीं है, इसलिए संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोष मुक्त किया गया। उज्जैन पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मालदा से एक अंतरराज्यीय ठग को गिरफ्तार किया। मामला जीवाजीगंज क्षेत्र का है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उज्जैन पुलिस ने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि का जिक्र करते हुए बताया कि फरियादी विशाल खान पिता रफीक अहमद से आरोपी सागर कर्माकर ने संपर्क कायम कर अपनी बातों में उलझाया और अच्छे लाभ के झांसे दिए, जिसके चक्कर में आकर फरियादी ने आरोपी के खाते में कई बार रकम जमा कराई, जो 1,15,000 के करीब है। फरियादी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई और सारे मामले की छानबीन कर पुलिस आरोपी
आरोपी तक पहुंची और उसे मालदा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सागर ने यह भी कबूल किया कि साइबर ठगी के ऐसे कारनामे उसने गुरुग्राम और चंडीगढ़ में भी अंजाम दिए। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना जीवाजीगंज के विवेचना अधिकारी मनीष मिश्रा, एसआई एडमिरल तोमर, आरक्षक मनीष यादव की अहम भूमिका रही। उपरोक्त मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने देते हुए बताया। जेएन पुलिस के द्वारा एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है और इसमें आरोपी को कोलकाता वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार करने में जो थाना प्रभारी जीवाजीगंज श्री मनीष मिश्रा की टीम को बड़ी सफलता मिली है और आरोपी ने फरियादी को सोशल मीडिया के फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की और झांसा देते हुए बिटकॉइन में अच्छी कमाई का माध्यम बताते हुए उससे 1,15,000 रुपये की राशि अलग अलग आबादी में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराई। इस आधार पर थाना जीवाजीगंज के द्वारा एक आईटी एक्ट और 420 का मामला भी पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसकी पुलिस रिमांड प्राप्त की गई है। आरोपी के द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि वो इसके अलावा इसने दो जगह और धोखाधड़ी की है जिसमें से गुरुग्राम और चंडीगढ़ है। आरोपी की जो प्रोफाइल है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का जॉब करता है और इसी के माध्यम से उसने ये सब अपना करना सीख लिया और इस प्रकार के कई लोगों के साथ उसने धोखाधड़ी की है। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है और इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। माघ माह को भी कार्तिक माह की तरह पुण्यदायी माना जाता है। भक्त एक माह तक पुण्य लाभ के लिए कुटी बनाकर निवास करते हैं व स्नान दान भी करते हैं। माघ माह की ही अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस अवसर का लाभ प्राप्त करने के लिए मोक्षदायिनी शिप्रा में भी प्रातःकाल से श्रद्धालुओं का डुबकी लगाना प्रारंभ हो गया था। स्नान दान कर श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए तीर्थ पुरोहित पंडित चक्रवर्ती जोशी ने बताया। ये मौनी अमावस्या है माघ मास की। यहाँ पर स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। राम घाट का यहाँ पर महत्व है। तीर्थ राज नमतुभ्यम दहे में वांछितम फलम आग्नेयम दहे में यत तीर्थ फलम लवे। यहाँ पर स्नान करने से अपने घर में सुख शांति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। घर में वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि रहती है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारिका बत्तीस सेवो सिप्रे इतना मोक्षदायक ये है। सिप्रे माता मोक्षदायिनी घर नारगम घर में सुख शांति देने वाली है। यहाँ पर स्नान करके आदमी यदि दान धर्म करता है तो उसको बहुत पुण्य का फल प्राप्त होता है। राम घाट पे यहाँ भगवान राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिण्य दान किया था, इसलिए यहाँ का महत्व बहुत ज्यादा है। विद्यापति में बह रही है भागवत ज्ञान गंगा, श्रद्धालु जन ले रहे हैं पुण्य लाभ। गोवर्धन पूजा के साथ मनाया गया फागोत्सव। कोरोना काल की विदाई के संकेत मिलते ही जनजीवन सामान्य हो चला है। त्योहार एवं आयोजन प्रिय उज्जैनवासी विभिन्न आयोजनों का लाभ लेने लगे हैं। नानाखेड़ा स्थित विद्यापति कॉलोनी में इन दिनों भागवत कथा आयोजित हो रही है। कथावाचक एवं प्रवचनकार उज्जैन निवासी पंडित गिरीश व्यास के श्रीमुख से ज्ञान गंगा प्रवाहित होने लगी है। कथा के पांचवे दिन गोवर्धन पूजा की गई, साथ ही फागोत्सव मनाया गया और 56 भोग भी लगाया गया। आइए एक नजर डालते हैं अब उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। चिंतामण रेलवे स्टेशन अपने नए स्वरूप में आया और उज्जैन फतेहाबाद ट्रैक शुरू होने के पहले सीआरएस दल ने किया निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि पर अपने पितृपुरुष को समर्पित किए श्रद्धा सुमन और मीडिया को कराया बजट की खूबियों से अवगत। मासूम के अपहरण और हत्या के आरोप में 2.5 साल जेल में बंद रहा बेकसूर, अदालत ने किया बरी। साइबर ठगी का आरोपी धराया पश्चिम बंगाल से, उज्जैन पुलिस को मिली उल्लेखनीय सफलता। और मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिप्रा में स्नान कर अर्जित किया पुण्य लाभ।
तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी, और साथ ही उज्जैन टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।